पाँच मिनट और दे दीजिए, बस आपसे इतनी गुजारिश है, और क्या कह सकते हैं, क्योंकि सब लोग आपकी एक आवाज़ सुनने के लिए बेताब हैं, तो कुछ भी जो आप कह देंगे, जो बात कर लेंगे। हिमेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया, और उनके इस एल्बम का जो विमोचन है वो मेरे हाथों से करवा रहे हैं। हालांकि मैं अपने आप को इतना गुणी नहीं समझता हूँ जितने कि ये हैं। गायक भी हैं, संगीत निर्देशक भी हैं, कलाकार भी हैं, फिल्में भी बनाते हैं, कई बार हमारे पास भी आए हैं, और दुर्भाग्यवश वो अवसर नहीं हो सका जहाँ हम एक साथ काम कर सकें। लेकिन बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको। संगीत बड़ा मुश्किल काम होता है, और हर वर्ष तो नहीं कहूँगा, हर तीसरे चौथे महीने आप कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, और उसका यहाँ पर विमोचन होता है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, भूषण कुमार जी को, और आपको भी मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई दीजिएगा। और जितने लोग भी संबंधित थे, इतनी खूबसूरत यहाँ पर हस्तियाँ खड़ी हैं, उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ कोई भी सवाल अगले 5 मिनट में आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। लगता है बच्चन साहब को सिर्फ आप लोग देखने के लिए देखते ही रहते हैं। जी, जैसे कि मैंने कहा कि मुझ में इतने गुण नहीं है जितने इनमें हैं सर। अभी हमारी कोशिश जारी है कि एक दिन हम भी इनकी तरह कुछ संगीत बनाएं। मेरा एक गाना इन्होंने गाया था जो बहुत बड़ा हिट हुआ, बोल बच्चन का, अभिषेक जी की वजह से हुआ था ये, क्योंकि हम लोग, अभिषेक जी पिक्चर के हीरो थे और अजय जी थे, एंड वी वॉन्टेड अमित जी, एंड उन्होंने वो टाइटल सॉन्ग गाया और 2 घंटे फ्लैट में उन्होंने भेज दिया था सीधा बोला था। और उसके बाद फिर बाद में कहा उन्होंने कि भाई ये एक वर्ड में कुछ है, तो फिर वापस जब मिक्सिंग की तरफ जा रहा था उनको, ही सच अ बिग परफेक्शनिस्ट, तो वो गाना फिर आप लोग। अच्छा, सब कुछ मिला जुला करके एक साथ काम करना बहुत मुश्किल काम होता है। सुन लेंगे आवाज़ हमारी। एंड सर, बस आपसे एक मेरी पर्सनल गुजारिश है, एक जब आप आए हैं यहाँ पे, तो मैं तो आपका हर चीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन वो कभी कभी की नज़म एक बार वो सर पागल हो जाते हैं लोग। और एक बार लाइव अगर मेरे सामने आपसे मौसीकी के लॉन्च पे हो जाएगा तो मेरा, यू मेड माय डे सर, प्लीज़। बहुत पुरानी चीज़ है सर, वो कमाल की चीज़ है, वो एवरग्रीन है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फ़ों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंग जो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है ज़िंदगी कुछ इस तरह जैसे इसे किसी की सहारे की आरज़ू भी नहीं। धन्यवाद। हिस्टोरिक, जब भी ये लाइन आती है सब लोग goosebumps. It's fantastic. Thank you, sir. Thank you very much for coming here, sir. Thank you so much. And one question, आपने भी काफी albums किए actually, तो any albums in pipeline, any planning, कुछ है ऐसा, कुछ proposal है? कौन सा album देखा आप? ईर बीर फत्ते video actually, हाँ अजय baby था, ईर बीर फत्ते sir, biggest one sir. गलती हो गई हमसे। Next question. Pooja, have you heard about Amitabh Bachchan, and what was those things that really, I've heard. Thank you. In Romania, we know few stars from Bollywood, and Amitabh Bachchan sir is there. Everyone knows him in Romania, that's for sure. So for me, it's like a big honor to share the same space, the same. Yeah, stage with him. So it's a big honor, sir. I think everyone would like to do that, no? Is anyone here who doesn't want that? Yeah, it's for me, for the moment, it's an honor to be here. So I'm enjoying this, and yeah, it's my pleasure to be here. Ajay? सबकी आवाज़ें सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। जैसा चेहरा है वैसे ही आवाज़ है। Himesh ji, is it true that Salman Khan had recommended Uya? Is it true actually? We wanted to hear from you. Yeah. देखिए, तेरी मेरी प्रेम कहानी जो गाना था बॉडीगार्ड का, उसका जर्म मुझे उन्होंने फ़ोन पे सुनाया था सलमान भाई ने, और इनकी आवाज़ सुनाई थी, एंड वो जर्म की वजह से वो गाना बना। लेकिन मुझे उनकी आवाज़ उसके बाद उतनी अच्छी लगी कि मुझे लगा कि एवरी नाइट एंड डे वाला गाना अगर वो गाएं, तो मैंने उनको ये गाना भेजा, उनको गाना बहुत पसंद आया, एंड देन शी वाज कमिंग टू इंडिया, सो उन्होंने रिकॉर्ड किया और ये मेकिंग शूट किया, इसीलिए इसका ऑफिशियल वीडियो अब तक शूट नहीं हुआ। सो और आवाज़ इतनी पसंद आ रही है, ऑलरेडी मिलियंस ऑफ हिट्स ऑलरेडी यूट्यूब पर मिल रहे हैं इनको कुछ ही दिनों में। सो बॉलीवुड को रोमानिया भी ले जा रही हैं, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। Jayalalitha has been hospitalized. Uनको कुछ speedy recovery या कुछ कहना चाहेंगे? Yeah, I've just tweeted that. We pray for her.